हेलो एवरीवन, आज हम प्लस वन का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट कर रहे हैं. वेल द लिविंग वर्ल्ड यू ऑलरेडी नो अबाउट व्हाट इज लाइफ. आपको पता है लाइफ क्या होती है? जिंदगी. लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ टू वर्क केमिकल रिएक्शंस व्हिच लीड टू ग्रोथ डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिवनेस adaptation and reproduction. Life क्या है? Life unique complex organization है molecules का, जो express करता है अपने आप को कुछ reactions से. और ये कुछ factors होते हैं जो हर एक living organism define करता है. One of the main point is growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. ये factors show करने वाले को हम living beings कहते हैं. But there are differences in living beings. First, if we talk about growth, first one is growth. हर living organism grow करता है. All living organisms grow. ये आप सबको पता है कि हर जीन जिसके पास भी जिंदगी है वो ग्रो जरूर करता है. तो ग्रोथ के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? सबसे फर्स्ट, इंक्रीज इन मास. ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे हम ये कहते हैं कि उसकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है. सेकंड, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इसे भी हम कहते हैं. या फिर हम कहें इंक्रीज इन साइज. इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन साइज. अब हम ग्रोथ को कहें तो ग्रोथ कैसे कैसे हो सकती है? अब अगर हम देखें तो एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है विद अ सिंगल सेल, अगर ये डिवाइड हो सकता है, फॉर्म कर सकता है अपने आप को, दैट इज ग्रोथ. नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग. अगर हम ग्रोथ के लिए एक और बात कहें, दैट ग्रोथ तो कैसे भी हो सकती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐड कर दिया कोई भी चीज तो ग्रोथ उसकी भी हो सकती है. ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं होगी. अगर हमने इसको कहा दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, वी एड 1 सेंटीमीटर टू द टेबल और एनी ऑफ द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस बिकम्स 4 सेंटीमीटर. साइज इंक्रीज हो रहा है, बट दैट डजंट मीन कि टेबल की ग्रोथ हो रही है. दैट इज नॉट अ लिविंग करैक्टर. सो इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड. नाउ टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन, द नेक्स्ट पॉइंट इज reproduction. What is reproduction? Reproduction. I'm writing in the abbreviated form reproduction form. Now, what is reproduction? It refers to production of progeny possessing features similar to their parents
रिप्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी, हमने प्रोडक्शन की प्रोजनी की हमारे यंग वंस की, जिनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे पेरेंट्स में, दैट इज द रिप्रोडक्शन। अगर हम रिप्रोडक्शन को कहें तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर द सिनोनिम्स फॉर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ इज अ सिनोनिम। सिनोनिम्स वो वर्ड होते हैं जिनका सेम वर्ड के सेम मीनिंग्स होते हैं। दैट मीन्स अगर ग्रोथ हो रही है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, दैट इज द रिप्रोडक्शन टाइप ऑफ थिंग। नाउ रिप्रोडक्शन, कैन इट बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? नो, बट एट स्मॉलर एक्सटेंट वी से दैट इट इज द इंक्लूसिव प्रॉपर्टी। इसे हम डिफाइनिंग नहीं कह सकते, बट इट कुड बी अ इंक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर फैक्टर्स, दोज आर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या मेटाबोलाइज करता है अपना खाना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म? करते हैं। क्या नॉन लिविंग करता है? नॉन लिविंग नहीं करते हैं मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट थिंग टू बी कैप्ट इन माइंड। इसीलिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। अनदर पॉइंट दैट कम्स फॉर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इज द रिस्पॉन्सिवनेस, और वी से इट इज द कॉन्शियसनेस। आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अगर टेबल को मैंने ऐसे हिट किया तो वो रिस्पॉन्स नहीं करती, बट अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को टच करते हो तो वो क्या करेगा? कॉन्शियसनेस रखेगा और क्या करेगा? वो रिस्पॉन्ड करेगा आपको। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म अगर कुछ भी हम फूड इनटेक करते हैं, आइदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड एक्सेट्रा, अगर हम कुछ भी एक्वायर करते हैं, वो मेटाबोलाइज होता है, हमें एनर्जी मिलती है उससे, एंड व्हाट नेक्स्ट इज द वेस्ट प्रोडक्ट, दिस कम्स अंडर द मेटाबॉलिज्म। कि मेटाबॉलिज्म हुआ तो हमें एनर्जी भी मिली, एनर्जी मिली तो उससे हमने उसको अपटेक किया है, वी यूज्ड इट, सो इट बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी विद द अदर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द कॉन्शियसनेस। These two properties are the defining property and are present in the living organisms. So, इन सब में सिर्फ कुछ ऐसे factors हमने देखे जो defining property थे living organism. एंड लाइफ के कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनसे हमें ये पता चला दैट हाउ वी कैन से दैट व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट आर द यूनिक फीचर्स ऑफ द लाइफ।